सूरत से अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास आ रहा है आपकी का शेयर है 525। जी बिल्कुल 525। और ये कौन से भाव से? ये 219 रुपये का भाव से है सर। ठीक है 219 रुपये के भाव से, ठीक है। और आपका नजर है क्या, आप कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं? होल्ड तो कर देंगे सर, अभी होल्ड तो करना ही पड़ेगा सर, लेकिन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो थोड़ा टेंशन है। जी बिल्कुल होल्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसा है कि अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमेशा एक नीचे की तरफ भी एग्जिट रहना चाहिए। अमर जी आपके पास आना चाहूँगा, यहाँ पर इनकी ख़रीदारी है ऊपर के भाव से 218 रुपये के आसपास से, वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ करीबन 20% नीचे की तरफ गिर चुका है, लेकिन पिछले कुछ 10-15 सेशन से साइडवेज में ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली इस पर आपकी क्या राय बन रही है, और अगर साथ में अगर आपको एक स्टॉप लॉस भी बता सके कि नीचे की तरफ जाए तो कहाँ थोड़ा एग्जिट कर सके? अमर जी जी कहाँ तक एग्जिट करना पड़ता है सर? अमर जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमर जी आप म्यूट पे शायद? अभी अभी म्यूट पे नहीं हूँ ना। ठीक नहीं नहीं अभी अभी सुनाई दे रहे, बताइए। तो इनकी जो पोजीशन है आईआरएफसी की बात कर रहे हैं, तो देखिए आईआरएफसी एज अ कंपनी तो काफी अच्छी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये रेलवे से लिंक है और ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। बट अभी क्या है कि स्टॉक में जो रैली के बाद एक आप ये कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन भी आता है, तो वो फिलहाल हमें इसमें वो देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यदि मैं बात करूं तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन, और अभी फिलहाल स्टॉक जो है वो काफी करेक्ट किया है ऑलमोस्ट फ्रॉम 230 लेवल्स टू 177। तो यदि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो ये अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी की बात करूं तो सेल्स ग्रोथ तो अच्छी रही है पिछले 3 सालों में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वो कंसर्न है, बट ओवरऑल ही कैन होल्ड इफ ही हैज अ होल्डिंग पीरियड, वो लॉन्ग टर्म थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, तो वो अपने पोजीशन को फिलहाल इस लेवल पे एग्जिट ना करें, बिकॉज ये काफी एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल भी है और यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हें ये सोचना है कि यदि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तब इस पोजीशन पर जरूर वो होल्ड कर सकते हैं, यदि नीचे आता है तो एवरेज कर सकते हैं, बट इन्हें अभी जो है वो एटलीस्ट अयर टू ईयर्स का एक इनको टाइम होराइजन लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। मैं भी जानना चाह रहा था कि होल्ड कर सकते हैं या फिर क्या करें। ठीक है 6 महीने का आपका नजरिया है। जी सर। आप ये बताइए कि कितने समय से आपने स्टॉक में अब तक आप बने हुए हैं? सर लगभग 6 महीने होने को ही है सर। ठीक है ठीक है, चलिए आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। IRCTC पिछले 6 महीने से इन्होंने 980 के भाव पे यहाँ पे बरकरार है, नुकसान यहाँ पर होता हुआ, अगले 6 महीने और इसमें रुक सकते हैं, बताइए क्या अगले 6 महीने रुकना इनके लिए बेहतर रहेगा या इनको कोई और रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए वीकली चार्ट्स पे इस स्टॉक ने एक स्टेबिलिटी दिखाई है अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि दिखाई दे रहे हैं 900 से लेकर 910 के जून पर। सो यहाँ से एक पुलबैक का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, बट अपर साइड एक रेजिस्टेंस भी है जो कि दिखाई दे रहा है 1000 के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर देन ये अपने अपसाइड स्ट्रेंथ को रेज्यूम करेगा और वहां से स्टॉक 1140 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि 890 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करके रख सकते हैं, वो थोड़ा सा वेट अगर करते हैं तो जैसे ही स्टॉक 1000 के ऊपर निकलता है वैसे ही हमें एक अपर मूवमेंट दिखेगा जो कि स्टॉक को 1120 से लेकर 1150 के जून तक पुश कर सकता है।